क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि एक्चुअली मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं कानपुर सेंट्रल में काम करता हूँ और मेरी वाइफ जो हैं सहकारिता विभाग चुन्नीगंज ऑफिस में काम करती हैं। तो हम लोग जो है दोनों लोग जॉब में हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक मेड रखी हुई थी। और ये मेड जो है इस पर मतलब जब तक हम लोग सामने रहती थी तब तक तो सब सही था, सब अच्छे से व्यवहार करती, सब चीज़ सही था। उसके बाद एक दिन हम लोग नीचे जा रहे थे, ये कल ही 30 तारीख की बात है, शाम 5:30 बजे के एग्जैक्ट। तो हम लोग नीचे जा रहे थे, छोटे वाले बच्चे के हमें चोट लगी, उसकी ड्रेसिंग करवाने जा रहे थे, गिर गया था। तो बड़ा वाला बच्चा जो है इसको अकेले रो रहा था काफ़ी। तो हमने कहा कि देखो उसको अंदर, अभी आ रहे हैं हम लोग आधे घंटे। तो आधे घंटे में आए, तब तक जब तक नीचे हम लोग पहुँचे हैं तब तक उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ और बढ़ गई, बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगा बड़ा वाला बच्चा हमारा। तो हमने कहा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो फिर हमने कहा कि चलो अभी आते हैं, देखते हैं क्या बात है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ ड्रेसिंग कराने गए, तो वहाँ डॉक्टर साहब से मिले। तो ये सब ड्रेसिंग वेसिंग होने के बाद जब लौट के आए हैं तो हमें वाइफ ने कहा है कि ये ज़रूर उसे मारा है, उसको मारती है ये, और क्योंकि उसके अभी वो सो रहा है, वरना उसके यहाँ पे भी निशान बना हुआ है, इधर साइड भी निशान बना हुआ है, गले वाले में निशान भी आपको दिखा था मैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने हम लोग CCTV लगे हुए हैं, एक फ्रंट रूम में लगा हुआ है, किचन में। तो जो फ्रंट रूम में लगा हुआ है CCTV, उसके हम लोगों ने कहा कि फुटेज देखी जाए 5 तारीख की। जब हम लोगों ने जब मैं 5:35 के आसपास जब निकला था यहाँ से, उस टाइम जब गेट बंद हुआ है तो वो काफ़ी रो रहा था। तो उसने उसको सोफे पे ले जाके पहले तो हाथ से धक्का दिया मारा, उसके बाद फिर लात से मारा उसे, और फिर जो उसी का जूता पड़ा हुआ था जूता उठा उठा के उसे 3-4 बार मारे। तो उस दिन जो है मतलब ये ऐसे इस तरीके से घटनाएं और भी ये करती रही होगी, अभी तो हमने पूरी फुटेज देखी नहीं है पीछे, क्योंकि 7 दिन का बैकअप रहता है उसमें। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए थे, उस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में भीड़ जैसे ही घर वाले वापस जा रहे हैं, तो काम पे जा रहे हैं या कहीं बाजार जा रहे हैं, तो पीछे से भीड़ छोटे बच्चे को पीट रही है। यही सूचना पुलिस को मिली थी और ये फुटेज भी पुलिस को मिली है। उसी के आधार पे एक तहरीर पेरेंट से लेके उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज करके उस भीड़ को अरेस्ट कर लिया गया और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।